हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ रिगार्डिंग ऑल एग्जाम्स। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक जरूर देखिए। तो आज हमारा वीडियो रहेगा रिगार्डिंग परवाज़ क्वालिफाइंग टेस्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने कॉल की थी, मैसेज की थी कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि इस पर एक कट ऑफ बनाऊँ, तो लेकिन मैंने पूरी एनालिसिस की उसके बाद ही ये वीडियो बनाया। तो इससे पहले जब ये एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, तो उस बार भी हमने एक कट ऑफ वीडियो बनाया था और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ उस पर जो हमने दिया था तो वही रहा था, फिर कुछ अराउंड 5-10 मार्क्स इधर उधर, बाकी वही रहा था। तो आज एक और कट ऑफ इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दिस टाइम, जो हाल ही में एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। तो लेवल ऑफ पेपर की अगर बात करेंगे, सबसे पहले जो पेपर की जो लेवल थी दैट वाज ऑफ मॉडरेट लेवल। जहाँ तक मैंने एस्पिरेंट से बात की तो जो पेपर था दैट वाज ऑफ मॉडरेट टाइप, और जो करंट अफेयर वो पूछा गया था बहुत, तो वी कैन से कि 25% अराउंड 25% पेपर में करंट अफेयर पूछा गया था। तो इट विल रियली प्ले अ वेरी बिग रोल। और एक रिक्वेस्ट है तमाम एस्पिरेंट्स हैं जो JKSSB और JKPSC या और कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर की कर रहे हैं अभी, तो प्लीज़ एक बार आप ये पेपर आराम से सॉल्व कीजिए, बराबर 100 क्वेश्चन करना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसे। क्योंकि लेवल आप देखिए, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन जो आपकी चल रही है फॉर वेरियस एग्जाम्स, तो वो भी चेक होगी। आप वो ये पेपर बराबर 100 क्वेश्चन कीजिए, तो उसके बाद जो स्कोर आपका बन रहा है वो भी आप देखना, क्योंकि उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे वीक जोन्स हैं जिनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश आप करेंगे। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, दैट इज़ कैंडिडेट्स अपीयर्ड। तो जो पिछली बार ये एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, तो उसमें जो कैंडिडेट्स जहाँ जो एग्ज़ाम देने गए थे दैट वर वेरी लो, बहुत कम एस्पिरेंट्स वहाँ पे एग्ज़ाम देने गए थे। लेकिन इस साल बहुत वी कैन से कि एस्पिरेंट्स ने बहुत कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम दिया इस साल, तो इट विल श्योरली प्ले अ वेरी बिग रोल इन दी कट ऑफ। नेक्स्ट फीडबैक एंड स्कोर, तो फीडबैक यही मिला कि पेपर ऑफ मॉडरेट टाइप। और उसके बाद मैंने एक पोल भी कंडक्ट करवाया था ऑन कम्युनिटी टैब, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने वहाँ पे वोट किया है, तो वो भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वोट्स कितने पड़े हैं, टोटल 591 वोट्स इन टू डेज आई गेस। हाँ, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने ऑप्शन रखी थी दैट वेर 300+, 250+, 200+, 150+ एंड 100+, तो अराउंड 37% वोट्स दिए गए किसको 300+, 20% अराउंड 250, 200 को पड़े हैं 19%, 150+ को 13% और 100+ को 12%। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपने देखा ये पोल जो मैंने कनेक्ट करवाया था। अब इसके बाद फीडबैक ये तो हुआ, उसके बाद टोटल सीट्स, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इस बार हैं दैट इज़ अराउंड 1500, तो 1500 सीट्स इस बार इसमें होंगे। तो इट इज़ अ वेरी गुड आई कैन से कि ये एक एस्पिरेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इसमें सिलेक्ट हो जाए। तो रिजर्वेशन एंड एकोमोडेशन की बात करें, जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं उनको एक अलग से रिजर्वेशन दी जाएगी इसमें, और एकोमोडेशन का मुझे पूरा पता नहीं कि वो भी इसमें इंक्लूड की जाएगी या नहीं, तो वो अगर आपको पता है वो आप प्लीज़ मैंशन कीजिए नीचे। शुड आई ज्वाइन, इट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन कि मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि आई विल गेट बेनिफिट फ्राम दिस, तो अगर आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा इसे, तो इट्स अ बेटर चॉइस कि आप वहाँ पे जाइए, क्योंकि 12 मंथ तक, एक साल तक फ्री कोचिंग होगी फॉर JKAS और दिस IAS। तो इट्स अ वेरी बेटर ऑप्शन फॉर एनीवन जो भी इसमें सेलेक्ट होगा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको अच्छी कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब रहा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो जिन भी एस्पिरेंट्स के, तो पिछली बार जो कट ऑफ हुआ था दैट वाज 90+, 90 मार्क्स प्लस अराउंड वहाँ पे 300 मार्क्स में उस टाइम क्वेश्चन पेपर था। तो जिन भी एस्पिरेंट्स के 90+ मार्क्स बन रहे थे, तो उनको बुलाया गया फॉर DV। लेकिन अब मैंने पहले ही बोला आपको ऊपर की कैंडिडेट्स इस साल ज़्यादा हैं, और लेवल ऑफ पेपर भी आप देख सकते हैं क्या थी। तो उस हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि कट ऑफ क्या हो जाएगा इसका, तो जिन भी एस्पिरेंट्स का, चाहे इसमें फीमेल एस्पिरेंट्स हो या मेल एस्पिरेंट्स, अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 120+ बन रहे हैं, अगर आपके मार्क्स 120+ बन रहे हैं, यू आर इन द सेफ जोन, श्योरली आपको बुलाया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन इट इज़ ऑनली एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन है ये, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट नहीं है कि ये भी हो सकता है कि 130+ भी हो सकता है, 120 से कम भी हो सकता है। तो जो हमने एनालिसिस की है, जो मैंने आपको देखा पोल वो दिखाया आपको, उसके बाद जो मुझे फीडबैक मिला व्हाट्सएप पे, मैं मैसेज बहुत आई थी इसके रिगार्डिंग, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे जिन भी एस्पिरेंट्स के 120+ बन रहे हैं, यू आर इन द सेफ जोन, श्योरली यू विल गेट अ कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आप तक डिपेंड है कि अगर आपको कॉल आ रही है कि आप आ जाए DV के लिए, आप जाए थे या नहीं ज्वाइन कीजिए, वो आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन मेरी सजेशन ये रहेगी कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपको फ्री में 12 मंथ्स तक कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये कट ऑफ मैंने यहाँ पे इस वीडियो यही तक था। और इससे पहले अगर आपने ये भी चेक किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और आंसर की, अगर आपने किसी कोई एस्पिरेंट ऐसा भी होगा जिसने अभी तक आंसर की नहीं देखी है, तो वो भी हमने उस पर भी वीडियो बनाया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, या वहीं पर होगा वीडियो के ऑप्शन में आप देख सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आप कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस, कोई भी डाउट है
तो मैं नंबर दूंगा नीचे, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हम कोशिश करेंगे कि हम उसका आंसर दे सकें। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।